हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भगवान करे आप लोग खुश रहें। ये जो है वट सावित्री के एक दिन पहले का है, तो मैंने मम्मी को कहा था, कुछ पायल मेरे पास था, पायल तो कई जोड़ है लेकिन साफ नहीं किया हुआ था, और मैं तो अभी सुस्त ही चल रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो मम्मी को कहा, मम्मी मेरा पायल साफ कर दो। तो मम्मी रात का खाना बना रही है, सब्जी रोटी, तो इधर एक तरफ में पायल भी साफ करने के लिए चढ़ा दी है, और ये चाय पत्ती और सर्फ डाल के पूरा पानी उबाल के उसमें अगर आप पायल डाल देते हैं और ब्रश से साफ करते हैं फिर साबुन यूज करके, तो इतना चकचक पायल हो जाता है बिल्कुल न्यू जैसा। और मम्मी का इधर वो पूरा पूरा उबलने के बाद उसको रख दीजिए, और जब तक मम्मी रोटी वगैरह बनाए वो ठंडा हुआ, फिर परोल और बोड़ा और बरी का सब्जी छौंक लगा दी उसमें। मेरा और मम्मी का तो व्रत ही है, पप्पा जी और ये खाएंगे, और इधर पायल साफ करने लगी, और इस तरह से पायल साफ हो गया। ये सब पायल हैवी हैवी था, तो हर बार तो आप लोग देखते ही हैं वट सावित्री व्रत में कितना मैं रेडी होती हूँ, लेकिन इस बार हिम्मत उतना नहीं मेरे पास है, देखते हैं फिर भी क्या कुछ संभव हो पाता है। तो ये तो आपको आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, तो आपको लोगों को ये देखने को मिलेगा। और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये देखिए सारा पायल एकदम न्यू की तरह चकचक हो जाता है, बस साफ करने का ट्रिक होना चाहिए। तो इस तरह से तीन जोड़ पायल मैंने साफ करवाया। ये पतला वाला डेली वियर का है, डेली वियर का दो जोड़ पायल है, और ये मोटा वाला तीन चार जोड़ है, लेकिन दो जोड़ अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये साफ मम्मी कर दी है, उसके बाद खाना भी लगभग बन ही गया, रोटी सब्जी सब। उसके बाद फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि पंडित जी जो माँ का श्राद्ध करवाए थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हाँ आप तस्वीर वगैरह सब कुछ छू सकते हैं, रामायण वगैरह भी पढ़ सकते हैं, और ये वट सावित्री व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो पकवान बनाएंगे वो बना हुआ नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए फिर डिसीजन हम लोगों ने किया फल से ही करेंगे। और बगल में एक कोई रिलेटिव मेरे पिताजी के दोस्त टाइप के हैं, रिलेटिव भी हैं, बिल्कुल एकदम हम लोगों के थोड़ा दूरी पर रहती है, उसको उनसे मुंह खोल के मतलब मेरे पिताजी बोले कि मेरी बेटी को बस साथ बेसनोटी दे दीजिएगा। हम लोगों में बेसनोटी का बहुत महत्व होता है, लोग अलग अलग तरीके से वट सावित्री का व्रत करते हैं, लेकिन हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो किसी वीडियो में बताएंगे हम लोग क्या और कैसे करते हैं। तो इनको फिर फाइनल हो गया, वो तो नहीं खबर की, खबर ही नहीं कि आप समझ सकते हैं, ये रात है वट सावित्री की, एक रात पहले तक वो खबर नहीं की, तो अब वो कब देगी। हम लोगों से ऐसा नहीं होगा, हम लोगों को अगर कोई इस तरह बोल दे मैं तो उसको पूरा डलिया बना के दे दूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ लेते आए हैं फल वगैरह, तो पांच फल होना चाहिए, तो नारियल, केला, लीची, आम, खीरा, ये सब मैं हिम्मत करके बैठी हूँ, टेबल पे निकाल लूँगी सारा चीज़। ये भी ऑफिस से आके अपना नहा के रेडी हो गए हैं। बाबू लीची मांगा था तो मैंने कहा जब मैं खोलूँगी तो दूँगी, अभी मैं खोल रही हूँ तो बाबू को लीची दूँगी। ये बोल रहे हैं मत खिलाओ क्योंकि थोड़ा सा इसको खांसी हो गया है, लेकिन अब बच्चा है, दो तीन लीची इसको दे दिया। और सारा फल, डलिया, पंखा, सब कुछ मैं अभी तुरंत ये सारा चीज़ लेके आए, पान, सुपारी, फल, डलिया, पंखा, सब कुछ सब मैं इसीलिए मैंने बड़ी टोकरी में किया, एक साथ इसको धो लूँगी, किचन का सारा काम हो जाएगा, मम्मी किचन अच्छे से स्लैब्स को पोछ देगी या फिर मैं ही पोछ दूँगी, देखती हूँ क्या कुछ संभव हो पाता है, क्योंकि इस तरह टूल पे बैठ तो गई हूँ लेकिन इस तरह बैठने के बाद आगे बताऊँगी मुझे क्या परेशानी हुई थी। आखिर इतना कौन करेगा, क्योंकि आज मम्मी का भी छुटका ही चल रहा था, 10 दिन हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये सब मैं खुद कर लूँ, तो सब इसमें सेट कर दिया, इसको धो लूँगी, और ये जो सूप रखा हुआ है इसमें सारा चीज़ रख लूँगी, मेहंदी भी लाए, देखती हूँ मेहंदी भी लगा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि रस्म है तो करना ही होता है। और मेहंदी है, अलता है, मौली है, जनेऊ है, जो अपना है, सिंदूर है, जो सब लगता है। और उसके बाद चूँकि पंडित जी ने कहा कि आप, पंडित जी ने कहा आप कर सकते हैं, तस्वीर वगैरह पूछ सकते हैं, तो क्या बताऊँ डियर, मैं फरवरी में गई थी घर, आप लोगों से संपर्क टूट ही गया था क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बेड रेस्ट डॉक्टर ने कह दिया था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरा 4 महीने से मैंने भगवान का एक नहीं छुआ, क्योंकि जब 5 फरवरी को गई और उधर ही 1 मार्च को मास पार हो गई, उधर से उधर ससुराल चली गई, फिर वहाँ से आई, तो यही था कि नहीं करना है, पूजा नहीं करना है। लास्ट में जब आज पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हैं, पूरा धूल जम गया। तो मैंने एक एक करके सारा चीज़ उतारा, माला,
तस्वीर, चुन्नी पूरे अच्छे से पूरे रेक को एकदम धो दिया लगभग, ये कहिए कॉटन कपड़ा जो बिछा हुआ था उससे भींगा में आकर मम्मी, क्योंकि आज नाखून कटा ली थी, नहा ली थी सर से, मम्मी डलिया तो नहीं करती, पूजा नहीं करेगी अभी क्योंकि 12 दिन के बाद किया जाता है, लेकिन मम्मी की मदद के बिना मेरा होता नहीं, तो वो बहुत मदद कर रही थी क्योंकि उधर, इसीलिए मैंने खाना बनने के बाद ही ये सब शुरू किया। तो खाना बन गया, मम्मी हमको मदद कर रही है, तो अच्छे से मैं भगवान को लगा दूंगी। और ये जो भी माला चुन्नी सब है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, बहुत बड़ा रात हो गया था, खाना बनने के बाद ही मैंने शुरू किया, अकेला मेरे से कुछ होता नहीं और मन हल्का लगता तभी तो करते। और ये भी फल वगैरह लेके आए तभी काम शुरू हुआ, तो 8:30-9 बजे के आसपास ये ही आए, तो थोड़ा लेट से काम शुरू होने हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी अखबार बिछा दिया है, अब सब तस्वीर को पोछ पोछ के मैं इस तस्वीर को मैं एडजस्ट कर रही हूँ कहाँ पे आता है, लेकिन ये क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा, और इस तस्वीर के बारे में आपको बताना चाहूँगी, मेरा बेटा होने वाला था दिल्ली में, तो इस तस्वीर को मैंने बंधवाया था और कैलेंडर से काट कर बंधवाया था, तो ये सब एक यादगार पल होता है। और जिन्होंने बांधा था वो बार बार फ़ोन करते थे, मैडम लेके जाइए, जितना कस्टमर आता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा ही तस्वीर चाहिए, तो इस तरह करके ये तस्वीर मैंने बंधवाई थी। तो आज मेरा मन इतना हल्का लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा भगवान जी का रेख साफ किया है, सारे बर्तन को साफ किया है, कठौत हम लोग जिसको कहते हैं, आप लोग गमला भी कहते हैं, उसमें सर्फ पानी डालकर सारे बर्तन को धोया है, एक सिर्फ दूध का टोपिया बचा हुआ था। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, जो वीडियो आपको दिखा रही हूँ, तो चना का इसमें रस्म होता है, तो यहाँ पर मैं चना को 2-3 पानी से अच्छे से धोकर भींगने डाल दूँगी, ये खाना पीना खा कर उसके बाद नहा कर मैं आई हूँ। पूजा के इधर पूरा क्लीन हो गया, ये मैं पूजा के रेख पर ही रख दूँगी, और रात में ही एक लोटा जल भर के रख दिया जाता है, तो चूँकि रात में इतना काम कर लिया, अब देखती हूँ मैं मेहंदी लगा पाती हूँ या नहीं। और उसके बाद फिर माला वगैरह मम्मी को बोले कि मम्मी तुम सुबह धो देना, मेरी मम्मी थोड़ा सवेरे उठती है, मुझे भी सवेरे ही उठना पड़ेगा कल, देखते हैं कितने बजे तक उठ पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारा फल वगैरह डलिया वगैरह धुला गया है, सब भगवान जी के आगे रख दिया है, पूरा ऊपर नीचे रेख साफ कर दिया है, मुझे एकदम बहुत राहत मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि 4 महीने से समझ सकते हैं आप कि ये गंदा था, तो यहाँ पर मैंने जल भर के रख दिया, उसको ढक दिया, और चना जो भिंगोने डाला है वो भी रख दूँगी, उसको भी ढक दूँगी। खाना पीना खा ही लिया है, अब चलिए चलते हैं बेडरूम, देखते हैं बेडशीट वगैरह, तो ये आज थके आए थे दिन को, मैंने नहीं कहा आप बेडशीट ठीक कर दीजिए, कुछ कपड़ा था जो मम्मी धो रही है, और यहाँ पर मैं बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी जितना संभव है, और मेरा एक आदत है रात में सोने के पहले झाड़ू मैं देती हूँ बेडरूम में, जिससे मुझे लगता है सब कुछ साफ साफ है, झाड़ू मैंने पहले ही दे दिया था। अब मैं बैठी हूँ, अब लगता है कि मैं लेट जाऊँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि लगभग अभी 11 बज रहे हैं रात के, और सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि पिछला वीडियो अगर पिछले साल का आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हम लोगों में क्या होता है कि 4 बजे ही बेसन बरी का जो है कढ़ी चावल बन जाता है, लेकिन देखते हैं अब कल क्या कुछ संभव हो पाता है, सब आप लोगों से शेयर करूँगी ही। तो मम्मी कुछ कपड़े को धो रही है और मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके मेहंदी लगा रही हूँ, अपना जो भी रस्म है वो सब मैं कर रही हूँ, लगता है किसी तरह सो जाऊँ, लेकिन जब बेड पे आई, वो जो मैं टूल पर बैठ कर लगभग 1 घंटा मुझे लग गया था पूरा भगवान का रेख साफ करने में, रात भर मैं नहीं सो पाई हूँ, 1:30 बजे के बाद मुझे नींद आई है, मुझे इतना दर्द पेट में हो रहा था उस तरफ बैठने के कारण, लेकिन अब देखिए कल क्या होता है, कैसे मैं व्रत कर पाती हूँ। और यहाँ पर मुझे फोड़ा टाइप का कंधे पर हो गया है, जलन देता है, उसमें मैंने पाउडर लगाया है, तो इस तरह करके किसी तरह करके आज की रात तो निकल ही जाएगी, अब जब 11 बज गया है सो जाऊँगी, तो अब मेहंदी भी लगा के अभी दिखाती हूँ कैसा लगाई हूँ। मम्मी का भी उधर का काम हो गया, लाइट बंद कर दी, अब मम्मी भी अपना सोने आएगी पैर वैर धो के, वो भी बहुत थक जाती हैं, और लगभग अब रात के 11:15 बज गए हैं। तो डियर, इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, कोशिश करूँगी, देखिएगा आप लोग भी मैं पूछ पाती हूँ बरसात या नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति बिल्कुल गंभीर हो गई है, बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहा है मेरा, किस तरह मैं तैयार हो पाती हूँ भी या नहीं। तो बने रहिएगा इस चैनल पे आप लोग, और जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और किसी वीडियो में डिटेल से बताऊँगी किस तरह से वट सावित्री का व्रत किया जाता है। मम्मी भी काफ़ी थकी हुई है, मम्मी भी यहाँ सोने आ गई हैं, तो आप सबको भी गुड नाइट डियर, और इसी तरह से समय मतलब कि कट रहा है, देखिए अब किस दिन क्या होता है, अब कल किसी तरह हम व्रत कर लें।
भगवान की अब यही दया हो, बस किसी तरह हम पूजा कर लें। मुझे अभी भी लग रहा है कि कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए डियर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया है मेहंदी जल्दी जल्दी में, और ये देखिए 11:15 बज रहे हैं रात के। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।